हाँ, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। अब तो कुछ करना पड़ेगा। मुझे बहुत चक्कर आ रहा है, मुझे कमजोरी फील हो रहा है। एक काम करता हूँ, किसी इंसान को मुझे पकड़ के लेकर आना पड़ेगा। अरे ग्रैनी वेलन, जेल बना कि नहीं अभी तक? सुबह से तुम लोग जेल बना रही हो कमबख्त कही की। और ये देखो, ईवल नन ग्रैनी लोग, बस ये लोग आराम ही करते रहते हैं। कलरफुल ग्रैनी और कलरफुल ईवल नन, कुछ तो काम कर लो। ये अंडा फ्राई, ये सारी चीज़ खाकर मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैं बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ, अब कोई भी जादू टोना नहीं कर पाता हूँ मैं, ना उड़ पाता हूँ। ग्रैनी ईवल नन, जल्दी कुछ करो, मुझे चक्कर आ रहा है। मुझे किसी इंसान की ज़रूरत है, मुझे इंसान चाहिए बलि देने के लिए। किसी को लेकर आओ। काल महाराज जी, आप टेंशन मत लीजिए। ये देखिए, जेल हमने बना दिया है। इस जेल के अंदर जो भी इंसान को हम लोग किडनैप करके लेकर आएंगे, उसको डाल देंगे। अरे ग्रैनी, मुझे बहुत सारी शक्तियाँ चाहिए। उसके लिए मामूली इंसान नहीं, कोई खास इंसान चाहिए। और इस लॉस्ट सेंटोस में सबसे शक्तिशाली वो लिटिल सिंघम और कीको, शिवा और सिंचैनी है। उन चारों भाइयों को किडनैप करके लेकर आओ। मेरा सर घूम रहा है, मैं तो जमीन में गिर गया हूँ ग्रैनी। अरे बाप रे, हमें कुछ करना पड़ेगा काल महाराज जी के लिए। काल महाराज जी तो हमारे बीमार हो गए हैं। अब तो हमें उस लिटिल सिंघम की को और सिबा सिंचान को किडनैप करना ही पड़ेगा ग्रैनी बहन। बिल्कुल सही बोल रही हो ईवल नन। काल महाराज जी, आप टेंशन मत लीजिए, आपको बहुत शक्तिशाली हम लोग बना देंगे। वो चारों भाइयों को हम किडनैप करने के लिए जा रहे हैं। उसका बलि देते हैं, आप बहुत ताकतवर हो जाओगे पहले जैसा। जल्दी लेकर आओ ग्रैनी, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं बहुत कमजोर फील कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है काल महाराज जी, चलो सबके सब बैठ जाओ। कलरफुल ग्रैनी और कलरफुल ईवल नन, फटाफट से बैठ जाओ गाड़ी पे। अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, लिटिल सिंघम के घर जाना पड़ेगा और लिटिल सिंघम की को, सिबा और सिंचैन को किडनैप करना पड़ेगा। अरे यार, जल्दी जल्दी गाड़ी हमारा जल्दी चल जाए। और इस गाड़ी को, अरे बाप रे, ठुक गया हमारा गाड़ी तो। अरे ग्रैनी, ये क्या कर दिया मेरे न्यू गाड़ी को? इसको मैंने कुछ ही दिन पहले शोरूम से चुराया था। माफ कर दीजिए काल महाराज जी, हम लोग जा रहे हैं। अरे बाप रे, गिर गए हम लोग तो। अरे रुको जरा, जल्दी से आ जाओ। ब्लू ग्रैनी और ग्रीन ईवल नन, फटाफट से बैठो गाड़ी पे। झूला झूलते हुए गाड़ी पे जाओगी तो गिरोगी ना। अरे हमें ऐसे हवा खाते हुए जाने में अच्छा लगता है। ठीक है ठीक है। सो गाइस, ये कार हमारे काल महाराज जी ने शोरूम से चुराया था। और ये देखो, लिटिल सिंघम का मोहल्ला आ चुका है। अरे रुक दो ग्रैनी यहाँ पे। अरे क्या, हमारा गाड़ी तो चल ही नहीं रहा है, धुआं निकल रहा है। लगता है हमारा गाड़ी खराब हो चुका है, बंद पड़ गया। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी सामने ही लिटिल सिंघम का घर है, फटाफट से चलो, मजा आएगा। ला 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 ला। ये देखो लिटिल सिंघम, कीको, सिबा, सिंचैन, अंतर मंतर जंतर, ये चारों के चारों भाई यहाँ से हिल ना पाए। गिले गिले छू। अरे ग्रैनी, ये कौन सा जादू कर दिया हमारे ऊपर? हम लोग तो हिल भी नहीं पा रहे। अरे अरे, भाग भी नहीं पा रहे। अली बाप ले लीजिए सिंघम भैया, ऐसा लग रहा है मेरा पैर जम चुका है। मैं भी हिल नहीं पा रहा हूँ ना भाग पा रहा हूँ। इतनी सारी ग्रैनी और ये बुल्लन हमारे घर में क्या कर रही है लीजिए सिंघम भैया? मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कुछ मत करो ग्रैनी। लिटिल सिंघम, ये देखो लिटिल सिंघम का हाथ पैर मैंने बांध दिया अच्छे से। अब इस कीको की बारी है, सिबा की, सिंचैन की। चलो कीको को अब हाथ पैर बांध देती हूँ। ला ला ला। अली बाबली, ये क्या कर दिया? अली छोड़ो मुझे, छोड़ो ग्रैनी चुड़ैल, छोड़ दो मुझे बदसूरत डायन चुड़ैल, छोड़ो मुझे बदसूरत चुड़ैल। अरे अरे, ये तो सबका हाथ पैर बांध रही है, लगता है मेरा भी बांध के। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो ग्रैनी ईवल नन, ये सब क्या कर रही हो? अरे सिंचैन को हाथ भी मत लगाना ग्रैनी, ये ठीक नहीं कर रही हो तुम। हम सभी का हाथ पैर बांध दिया है, खोलो हमें, खोलो। हम निकल क्यों नहीं पा रहे यार? अब ये क्या करने वाली है हमारे साथ? छोड़ दो हमें, जाने दो ग्रैनी। ईवल नन हमें किडनैप करने के लिए क्यों आई हो? हमने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? हर दिन हमें परेशान करने के लिए आ जाती हो हमारे घर में मुंह उठा के। निकलो यहाँ से। अरे यार लेडी सिंघम भैया, मुझे भी बहुत बुरी तरीके से बांध।
दिया है, क्या करूं? अरे बाबले, ग्रैनी चुड़ैल, तुझे इस दुनिया से गायब कर दूंगा। बहुत ही खराब चुड़ैल है तू। जाने दे हमें, जाने दे, छोड़ दे हमें। कैसे जाने दे सकती हूँ कीका? चल अब तू मेरे साथ। ला 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 ला। जल्दी से उठा लो लिटिल सिंघम, सिंचान और सिबा को, फटाफट से चलो अपने अड्डे में लेकर। अली बाबले, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे यार, ये क्या, मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे, मुझे नहीं जाना। अरे बाबले, मेरे लिटिल सिंघम भैया को भी पकड़ लिया इवेलन ने। अरे छोड़ दो मेरे लिटिल सिंघम भैया को। अरे यार ग्रैनी, मुझे भी छोड़ो। अली बाबले, अब मैं क्या करूँ, मुझे तो ये ग्रैनी छोड़ ही नहीं रहे। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो। अरे बाबले, सिबा को भी पकड़ लिया, लिटिल सिंघम भैया को भी और सिंचान को भी। चल कीको के बच्चे, चल, हाथ पैर बांध दिया है ना तेरा। ये देखो काल महाराज जी, ये देखो, सभी को जेल के अंदर डाल दिया, अब इस कीको को भी डाल दिया जेल में हाथ पैर बांध कर। अब ये लोग भाग भी नहीं सकते। काल महाराज जी, अब तो आप उठ जाइए, अब थोड़ी देर में ही आप बहुत शक्तिशाली बनने वाले हो, क्या पता अमर भी बन जाओ। अरे ग्रैनी, तुमने तो कमाल कर दिया, कलरफुल ग्रैनी और कलरफुल इवेलन, तुम लोगों ने आखिरकार लिटिल सिंघम, कीको, सिबा, सिंचान को किडनैप कर ही लिया। अब मुझे जल्दी से उस तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा, और थोड़ी देर में शाम होने वाला है, और रात होते ही इन चारों बच्चों का बलि दूंगा, और बलि देते ही मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगा ग्रैनी। अरे बाप रे, फिर मजा आएगा काल महाराज जी, आप राज करोगे इस पृथ्वी में, और हमारे दुश्मन भी मर जाएंगे। लेडल सिंघम, कैसा लग रहा है जेल के अंदर? अरे काल के बच्चे, निकालो हमें, निकाल, कहाँ जा रहा है काल के बच्चे, सही नहीं कर रहा है काल, ग्रैनी इवेलन, हमें निकालो यहाँ से। अब तो तुम चारों बच्चा का मैं बलि दूंगा रात को। अभी मैं तांत्रिक के पास जा रहा हूँ बुलाने के लिए, थोड़ी देर में शाम हो जाएगा, ठीक है, मैं जल्दी लौटूंगा तांत्रिक को लेकर। तुम लोग फटाफट से सब कुछ तैयारी शुरू करो, और जादू टोना भी शुरू करो, आग जलाकर, ठीक है? ठीक है काल महाराज जी, आपके लिए हम लोग कुछ भी करेंगे। अरे हाँ हाँ ग्रैनी बहन, चलो आग जलाते हैं और जादू टोना शुरू करते हैं। तब तक काल महाराज जी लेकर आ जाएंगे उस तांत्रिक को। अब मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा तांत्रिक के पास, फिर बलि दूंगा कीको, लिटिल सिंघम, सिंचान और सिबा का, फिर मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। अरे अरे, खुल जा हाथ, खुल जा। अरे अरे, हाथ खुल रहा है मेरा, ये देखो खुल गया मेरा हाथ। अरे भाई साहब, अब मैं क्या करूँ? अरे सिंचान, कीको, सिबा, तुम लोगों को भी मैं खोल देता हूँ। अरे लेडी सिंघम भैया, खोल दो हमारा हाथ, खोलो लेडी सिंघम भैया। अरे बाबरे लेडी सिंघम भैया, मेरे भी हाथ खोलो। अरे मेरा खोलो पहले। ओके ओके, खोलता हूँ सिबा। चलो ये देखो गाइस, सिबा का भी हाथ मैंने खोल दिया। ओके चलो, कीका का भी खोल देते हैं गाइस। और बारी है सिंचान का, चलो सिंचान का भी हाथ खोल देते हैं। भाई साहब, शाम हो गया है गाइस, बस थोड़ी देर बाद जो है रात हो जाएगा, फिर तो बलि देने के लिए वो तांत्रिक आ जाएगा, जल्दी हमें कुछ करना पड़ेगा। अरे यार लेडी सिंघम भैया, चलो भाग जाते हैं गड्ढा खोद के। अरे यार गड्ढा कैसे खोदेंगे, यहाँ पे तो कुछ कोड़ल वोड़ल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक काम करते हैं, ये जो गेट है ना, गेट में लात घुसा मार के गेट को ही तोड़ देते हैं। ये ले, अरे टूट जा, अरे टूट जा। अरे बाबरे लिटिल सिंघम भैया, और जोर जोर से पंच मारो, लात मारो, देखना टूट जाएगा ये पिंजरा, ये जेल। अरे हाँ, पर वो ग्रैनी इवेलन दिखाई नहीं दे रही है। अरे भाई वहाँ पे कुछ कर रही है वो लोग। चलो चलो जल्दी से इसको खोलता हूँ, यार थोड़ी देर में रात हो जाएगा, वो काल लौट गया तो कभी भी हम लोग भाग नहीं पाएंगे। ये देखो गाइस, फाइनली हमने यहाँ का गेट खोल दिया है गाइस थोड़ा सा। चलो, अरे सामने है सारी की सारी ग्रैनी, ओ माय गॉड, और इवेलन भी है, लगता है वो लोग जादू टोना कर रहे हैं। ओ भाई साहब, ये लोग तो एकदम जादू टोना कर रहे हैं गाइस, सभी के सभी आग जलाकर। ओ माय गॉड, इसका मतलब थोड़ी देर में काल और वो तांत्रिक आ जाएगा हमारा बलि देने के लिए, जल्दी से निकलना पड़ेगा। सिंचान, सिबा, कीको, फटाफट से आ जाओ यहाँ से। अरे बाबले लिटिल सिंघम भैया, अगर हम लोग घर चले गए ना, तो ये सारी की सारी ग्रैनी इवेलन घर भी पहुँच जाएगी, इसलिए इनका काम तमाम कर देते हैं। ओके कीको, सही बोल रहा है कीको। अरे हाँ लिटिल सिंघम भैया। ओके अब इनको तो मैं पीट कर ही जाऊंगा, सभी के सभी जादू टोना में मग्न है। ये लो जादू टोना करना, ये आज मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये लो, ये लो, ये क्या लिटिल सिंघम तो सबको मार रहा है।
अरे अरे भाग रही है, अरे ग्रैनी की बच्ची मुझे गोलियां मारेगी, ये लो। अरे बाबले पीट पीट के कुटाई कर दो, मैं भी मारूंगा। अरे ये लो ये लो ये लो ग्रैनी, ये लो लात खुसा मार के पापड़ बना दूंगा। ओ ये देखो ईवलन, ये ले ईवलन की बच्ची। अरे बाप रे कमर के हड्डी तोड़ दी हुई माँ, मर गई मैं तो। ओ भाई सो फाइनली गाइस हमने सारी के सारी ईवलन और ग्रैनी को मार दिया। अब कीको सिवा सिंचान चलो फटाफट से हम लोग यहाँ से निकलते हैं। वो काल किसी भी टाइम आता ही होगा, अगर वो आ गया तो हम लोग कभी भी यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है, वो कुछ भी कर सकता है, राक्षस है वो राक्षस। फटाफट से निकलो। सही बोल रहे लड़ सिंह भैया यार, जल्दी से निकलते हैं कहीं वो रास्ते में आ ना जाए। अरे कुछ नहीं होगा, अरे यहाँ पे हेलीकॉप्टर है, चलो इस हेलीकॉप्टर में चढ़ के हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं, इस चॉपर से। आ जाओ फटाफट से आओ, हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। ठीक है लड़ सिंह भैया यार, मैं भी आ रहा हूँ। रुको जरा सबर करो, मुझे भी ले लो हेलीकॉप्टर में। अरे हाँ हाँ सबके सब बैठो फटाफट से, हमारे पास टाइम नहीं है, वो काल आ जाएगा किसी भी टाइम। चलो अब जल्दी से मैं इसमें उड़ान भरता हूँ। चलो स्टार्ट कर दिया मैंने। ओ भाई साहब देख सकती हूँ गाइस, फटाफट फटफट से हमारा गाड़ी भी यहाँ पे उड़ने लगा है गाइस, फटफट से देख सकती हूँ, बहुत ही मजेदार लग रहा है गाड़ी चलाने में। अरे बाबू कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा शहर, बहुत मस्त। ओके सो फाइनली गाइस देख सकते हो हमारे घर के छत के ऊपर हम लोग आ चुके हैं, अब हम लोग सेफ है, अब हमारा वो काल कुछ बिगाड़ नहीं सकता गाइस। वैसे भी ग्रैनी इवलन लोगों को हम लोगों ने मार दिया है, वो अकेला कुछ नहीं कर सकता गाइस, वैसे भी वो थोड़ा सा भी कमजोर भी है। लड़ देंगे भैया यार भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। चलो चलो हा, 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 आज तो मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगा, वो तांत्रिक मेरे पीछे आता ही है, आता ही होगा तांत्रिक, मैंने उसको बता दिया अब थोड़ी देर में रात होने वाला है। अरे ये क्या, ईवलन ग्रैनी सबके सब मरे पड़े हैं, ये कैसे हो गया। अरे अरे ब्लू ग्रैनी क्या हो गया, सब मरे क्यों पड़े हो, कोई तो बोलो कुछ। और ये जेल के अंदर भी कोई नहीं है, लगता है वो लेडे सिंघम की को सिवा जेल से भाग गए सारी की सारी ग्रैनी और ईवलन को मार कर। अरे बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, अब मैं क्या करूँ, जरूर मैं बदला लूँगा ग्रैनी और ईवलन लोगों को, जिंदा कर दूँगा मैं अभी जादू टोना करके, छोड़ूंगा नहीं लेडे सिंघम को।